हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो मोस्टली स्पीकिंग करते समय यूज किया जाता है। आप लोग ने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो वर्ड है एस फॉर एस। एस फॉर एस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम लोग ने इसके पहले पिछली क्लासेस में देखा था। एज वेल एस, एज सून एस लॉन्ग एस, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और भी आने वाले समय में इसको नए तरीके से ये सारे टॉपिक्स को फिर से लेके आऊंगा, जिसमें नए सेंटेंसेस होंगे, पढ़ाने का समझाने का नया तरीका होगा और नए विवर्स भी होंगे और आपके समझने का तरीका भी शायद नया होगा। तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, जो हर वीडियो में करता हूं, हर वीडियो में ऑलमोस्ट गुजारिश करता हूं कि आपको मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक रहना और उसकी एक एक बात को समझना है। और समझने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो लगा क्या, लगेगा ही लगेगा, उसके बाद आपको बहुत से लोगों को शेयर करना है जिसे हर कोई इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीख जाए। और दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत सारे टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें मेरे भी डाउट होंगे, आपके भी डाउट होंगे और आपकी इंग्लिश में सचमुच में चार चांद लग जाएंगे और हमारी इंग्लिश अफेक्टिव डेक्लेरेटिव इंप्रेसिव हो जाएगी। तो चालू करें। क्या वर्ड है? एस फॉर एस, एफ ए आर। एस फॉर एस का मतलब होता है जहां तक। अब मैं इसके बहुत सारे सेंटेंस बना के बताता हूं, आप ध्यान देंगे, अच्छे से देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आगे ऐसे मजेदार और शानदार जानदार सेंटेंस आने वाले हैं जो कि हमारे स्पीकिंग में बहुत काम आते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, तुम उतने बुरे नहीं हो। एज फार एज आई थिंक यू आर नॉट सो बैड। तो जहां तक मेरा मानना है बोले, जहां तक मेरा सोचना है बोले, जहां तक मेरा विचार है बोले, जहां तक मैं सोचता हूं, कुछ भी बोले आप, आपको एज फार एज आई थिंक ही बोलना है। एज फार एज आई थिंक यू आर नॉट सो बैड। जहां तक मेरा मानना है, भारत तरक्की कर रहा है। एज फार एज आई थिंक इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। जहां तक तुम्हारा मानना है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, गलत बात। एज फार एज यू थिंक आई एम नॉट ए गुड ह्यूमन बींग, जो कि सही नहीं है। आई एम रियली गुड ह्यूमन बींग, या ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग, ईमानदारी से बात कर रहा हूं। जहां तक मेरा सोचना है, तुम मेहनत नहीं करते हो। एज फार एज आई थिंक यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, ऐसा अगर आपको बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा एज फार एज आई थिंक। उसके बाद आपको अगला जो सेंटेंस रहेगा वो टेंस के अनुसार बनाना है, उसमें जो भी टेंस होगा वो आपको यूज करना है। बस पहले आप ध्यान देंगे, एज फार एज आई थिंक, एज फार एज यू थिंक, एज फार एज ही थिंक्स, एज फार एज शी थिंक्स, एज पर द टेंसेस हमें बनाना है। तो हमारा फर्स्ट वेराइटी इज कंप्लीटेड। अब सेकंड वेराइटी वाले में आ जाते हैं, सेकंड वाले तरीके में आ जाते हैं। जहां तक मैं देखता हूं, मैं पानी ही पानी पाता हूं। जहां तक मैं देखता हूं, मैं पानी ही पानी पाता हूं। एज फार एज आई सी, आई गेट नथिंग बट वाटर। एज फार एज आई सी, आई गेट नथिंग बट वाटर। आई गेट वाटर एंड वाटर, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। आई गेट ओनली वाटर, ये भी कह सकते हैं। तो आपको जब कहना है कि पानी ही पानी, तो आप क्या कहेंगे? वाटर एंड वाटर, या फिर नथिंग बट वाटर, या फिर ओनली वाटर, ये कह सकते हैं। आप लोग गेट की जगह पर फाइंड भी लगा सकते हैं। जहां तक मैं देखता हूं, मैं भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पाता हूं। एज फॉर एस आई सी, आई फाइंड नथिंग बट करप्शन। आई फाइंड ओनली करप्शन। आई फाइंड करप्शन एंड करप्शन, इसको तीन तरीके से कह सकते हैं। और लेते हैं, जहां तक मैंने देखा, मैंने गरीबी ही गरीबी पाई। एज फार एज आई सॉ, इस बार मैंने पास्ट सिंपल का यूज किया है तो मैं सेकंड फॉर्म कर दूंगा। एज फार एज आई सॉ, आई फाउंड नथिंग बट पॉवर्टी। आई फाउंड पॉवर्टी इन पॉवर्टी। आई फाउंड ओनली पॉवर्टी। तो दोस्तों, आपको जब कहना है दौलत ही दौलत, तो आप क्या बोलेंगे? ओनली वेल्थ, वेल्थ एंड वेल्थ, और नथिंग बट वेल्थ, ऐसा कह सकते हैं। तुम्हें केवल दौलत ही दौलत दिखती है। यू सी नथिंग बट वेल्थ, यू सी ओनली वेल्थ, यू सी वेल्थ एंड वेल्थ, ये भी कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे सेंटेंस बनाना है इसके, जिससे आप दौलत ही दौलत, करप्शन ही करप्शन, ये सेंटेंस हम लोग बना ले, पानी ही पानी, ऐसे सेंटेंस हम लोग बना ले।
जहां तक हम देखते हैं जंगल ही जंगल पाते हैं. अगर किसी जंगली इलाके की बात कर रहे हैं तो एज फार एज वी सी वी फाइंड नथिंग बट फॉरेस्ट, पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं, नथिंग बट ट्रीज, ये हम लोग कह सकते हैं. तो ये थे बहुत सारे सेंटेंसेस हमने इसके बनाए. अब आपको प्रैक्टिस करना है कि हम लोग कैसे यूज करें. बहुत बढ़िया है, आपको यूज करना है, समझना है, फिर यूज करना है. मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आते हैं तरीके नंबर 3 में, वैरायटी नंबर 3 में आते हैं. ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट याद आप, जो कि हमारे स्पीकिंग इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है, अधिकतर यूज किया जाता है. तो ध्यान देंगे दोस्तों, जहां तक शादी का सवाल है, मैं इस साल शादी नहीं करूंगी. जहां तक शादी का सवाल है, मैं इस साल शादी नहीं करूंगी. एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ मैरिज अराइजेस, आई विल नॉट मैरी दिस ईयर. अब दोस्तों, मैंने किसका सवाल है बोला? मैंने शादी का सवाल है बोला. तो हमको द क्वेश्चन ऑफ तो बोलना ही पड़ेगा, द क्वेश्चन ऑफ. अब जिसका सवाल होगा वो क्वेश्चन ऑफ के बाद आएगा. तो एज फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ मैरिज अराइजेस, आई विल नॉट मैरी दिस ईयर. ठीक है, अगला. जहां तक तालीम का सवाल है, तुम्हें आगे की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. अब मैंने किसका सवाल है बोला? तालीम, शिक्षा, एजुकेशन, ये बोला मैंने. तो क्या बोलेंगे? एज फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन अराइजेस, अराइजेस, तुम्हें आगे की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. यू शुड कंटिन्यू फर्दर स्टडीज. बहुत बढ़िया. जहां तक कॉलेज का सवाल है, मैं इस साल कॉलेज नहीं जाऊंगी. अब किसका सवाल है? कॉलेज का सवाल है. कैसे बनाएंगे? एज फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ कॉलेज अराइजेस, आई विल नॉट गो टू कॉलेज दिस ईयर. तो जिसका भी सवाल है, आपको द क्वेश्चन ऑफ के बाद बोलना ही बोलना है. एक सेंटेंस और लेते हैं. जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, हर किसी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए. एज फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश अराइजेस, एवरीबडी शुड लर्न इंग्लिश. हमें अपनी भाषा भी सीखनी चाहिए, हमारी जबान भी सीखनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश अब वर्ल्ड वाइड अगर आपको आगे बढ़ना है तो इंग्लिश ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन पहले हमारी भाषा पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, उसके बाद बाकी भाषा सीखना चाहिए. आई लव माई हिंदी, वी लव आर उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर हैविंग, उसमें वो भी सीखें, और साथ साथ में इंग्लिश भी सीखना बहुत जरूरी है. अब दोस्तों, अगर हमको कहें कि सवाल था बोले, सवाल था बोले तो कैसे बनाएंगे? जहां तक मोबाइल का सवाल था, मेरे पास मोबाइल नहीं था. अब मैं था बोल दिया, पास्ट टेंस का यूज कर रहा हूं, देखिए कैसे बनाना है. एज फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ मोबाइल अरोज, अराइजेस का सेकंड फॉर्म, अराइज का सेकंड फॉर्म होता है अरोज. तो अब मैं अरोज बोलूंगा. जहां तक मोबाइल का सवाल था, मेरे पास मोबाइल नहीं था. एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ मोबाइल अरोज, आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल. जहां तक शादी का सवाल था, वह पिछले साल शादी कर सकती थी. जहां तक शादी का सवाल था, वह पिछले साल शादी कर सकती थी. एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ मैरिज अरोज, शी कुड हैव मैरिड लास्ट ईयर. शी कुड हैव मैरिड लास्ट ईयर, वो मैरिज लास्ट ईयर कर सकती थी. अब मैंने अराइजेस की जगह पर अरोज कर दिया. जहां तक दोस्तों का सवाल था, सारे दोस्त बुरे नहीं थे. एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ फ्रेंड्स अरोज, ऑल द फ्रेंड्स वर नॉट बैड. जहां तक रिश्तेदारों का सवाल था, सभी रिश्तेदार स्वार्थी नहीं होते. जहां तक रिश्तेदारों का सवाल था, सभी रिश्तेदार स्वार्थी नहीं थे. एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव्स अरोज, ऑल द रिलेटिव्स वर नॉट सेल्फिश. तो दोस्तों, सवाल है मैं आपको द क्वेश्चन ऑफ, जिसका भी क्वेश्चन होगा उसके बाद आपको अराइजेस कहना है. और सवाल था बोलेंगे तो आपको अरोज का इस्तेमाल करना है. मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा. बहुत ही बढ़िया था दोस्तों, इसको अच्छे से समझिए और अगली बार जब भी आप स्पीकिंग करेंगे तो आप इसका यूज करेंगे. जहां तक तुम्हारा सवाल है, जहां तक बच्चों का सवाल है, जहां तक इस देश का सवाल है, जहां तक नौकरी का सवाल है, तो आप एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ जॉब अराइजेस, एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ फ्रेंड्स अराइजेस, था तो अरोज कर देंगे. ये आपको ध्यान देना है. अब हम लोग आ जाते हैं मेथड नंबर 4 में, तरीके नंबर 4 में आ जाते हैं. ये भी बिल्कुल थर्ड नंबर के जैसे हैं, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. और आप अभी तक मेरे वीडियो में बने रहे, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. अब मैं ध्यान देते हैं, जहां तक मेरा संबंध है, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं.
As far as I am concerned, I am an honest person. मैं ईमानदार व्यक्ति हूं. I am an honest person. अब मैंने सवाल है नहीं बोला, अब मैंने क्या बोला, संबंध है. तो संबंध है में बोलने के लिए आपको concerned का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और है आएगा तो आपको is, am, are लगाना पड़ेगा. था के लिए आपको was, were करना पड़ेगा. सवाल वाले के जैसे ही इसका सेंस निकल रहा है, लेकिन इसमें हमको जिसका भी संबंध है बोलना है वो पहले लिखते हैं, फिर इज एम आर आता है, फिर कंसर्न आता है. और पास्ट टेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर आएगा, फिर कंसर्न आएगा. तो कुछ सेंटर लेते हैं, समझते हैं प्रेजेंट और पास्ट के. ओके दोस्तों, अभी भी वीडियो में बने रहना है, क्योंकि ये आखिरी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर भी करना है. जहां तक यूट्यूब का संबंध है, मैं सारे वीडियो नहीं देख सकता हूं. As far as YouTube is concerned, I cannot watch all the videos. जहां तक शिक्षा का संबंध है, हर किसी को educated होना चाहिए. As far as education is concerned, everybody should be educated. जहां तक बच्चों का संबंध है, सभी बच्चे शरारती नहीं होते हैं. As far as children are concerned, all the children are not naughty. जहां तक नौकरी का संबंध है, मैं कोई भी नौकरी कर सकता हूं. एज फार एज द जॉब इज कंसर्न, आई कैन डू एनी जॉब. कितना प्यारा है दोस्तों, है कि नहीं? यस yes, अब हम लोग लेते हैं था वाला. था वाले में इज एम आर की जगह पर केवल वाज वर करना है. या जहां तक पापा का संबंध था, वे बहुत ही अच्छे इंसान थे. एज फार एज पापा वॉज कंसर्न, ही वॉज वेरी गुड पर्सन. जहां तक तुम्हारा संबंध था, तुम उतने बुरे नहीं थे. As far as you were concerned, you were not so bad. जहां तक मेरा संबंध था, मैं आपकी मदद कर सकता था. As far as I was concerned, I could help you. जहां तक अंग्रेजी का संबंध था, हर किसी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी. As far as English was concerned, everybody should have learned English. तो दोस्तों, इस प्रकार के आपके बहुत सारे वाक्य बनाने हैं. मैंने चार वैरायटी ली. चारों वैरायटी को मैं एक बार फिर से बोल के बताता हूं. आखिरी के दो वैरायटी को जो अच्छे से समझना है, आखिरी के दो मेथड्स को हमको अच्छे समझना है, उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि संबंध आने पर क्या यूज करना है और सवाल आने पर क्या यूज करना है. तो मैं चारों वैरायटी को एक बार फिर से बोल के बताता हूं. ध्यान देंगे, चार वैरायटी है आज के टॉपिक में. और वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करना, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. यस, और मुझे उम्मीद आप करेंगे जरूर. जहां तक मेरा मानना है, बच्चे शरारती, हर बच्चा शरारती नहीं होता है. जहां तक मेरा मानना है, हर बच्चा शरारती नहीं होता है. एज फार एज आई थिंक, एवरी चाइल्ड इज नॉट नॉटी. जहां तक मैं देखता हूं, मैं पेड़ ही पेड़ पाता हूं. एज फार एज आई सी आई गेट नथिंग बट ट्रीज. आई गेट नथिंग बट ट्रीज. जहां तक ये नंबर दो वैरायटी थी, जिसमें उन्होंने नथिंग बट का यूज किया, या फिर ट्रीज एंड ट्रीज, या ओनली ट्रीज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. अब वैरायटी नंबर थर्ड में आ जाते हैं. जहां तक बच्चों का सवाल है, सभी बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, ओबीडियंट होते हैं. एज फार एज द चिल्ड्रन, एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ चिल्ड्रन अराइजेस, ऑल द चिल्ड्रन आर ओबीडियंट. सभी बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, ऑल द चिल्ड्रन आर ओबीडियंट. कुछ बच्चे नहीं भी होते हैं हम जैसे, अब तो हम बड़े हो गए. ओके, अब इसी को था कर दे. तो जहां तक बच्चों का सवाल था, सभी बच्चे आज्ञाकारी होते थे. एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ चिल्ड्रन अरोज, ऑल द चिल्ड्रन वर ओबीडियंट. अब मैं इसको संबंध में बना रहा हूं, ध्यान देंगे. जहां तक बच्चों का संबंध है, सभी बच्चे शरारती होते हैं. थोड़ा चेंज कर देते हैं अगले वाले को. As far as children are concerned, all the children are naughty. शरारती होते हैं. अब इसको था बना देते हैं. जहां तक बच्चों का संबंध था, सभी बच्चे शरारती थे. As far as children were concerned, all the children were naughty. ये चार sentences थे, चार varieties थी. मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. दोस्तों, इस प्रकार के इतने सारे टॉपिक लेके आने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश को सचमुच में डेक्रोट इफेक्ट बना देगी और आपकी भाषा में चार चांद लगा देगी. थैंक यू मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ही करना है. और आपके डाउट पूछना बंद नहीं करना, मैं आपके डाउट्स की वीडियो जरूर बनाऊंगा.
अब कब बनाऊंगा इसकी तारीख देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बनाऊंगा जरूर। धन्यवाद, शुक्रिया मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार के और अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।